आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बच्चों, हमने मैथ की क्लास में कल भाजकों की संख्या के बारे में आपको बताया था और उसका योग किस तरह से हम ज्ञात करते हैं ये आपको बताया था। और इस टॉपिक पर आज हमारी दूसरी वीडियो है। आज हम बच्चों आपको बताएंगे विषम भाजकों की संख्या और उनका योग किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कि विषम भाजक होते क्या है, तो बच्चों देखा आपने, जैसे आपने एक कोई संख्या ये ले ली 12, और अगर हम 12 के फैक्टर करेंगे तो अब बच्चों आपको पता है कि 12 में एक से भाग जा सकता है, 12 में दो से भी भाग जा सकता है, तीन से भी भाग जा सकता है, चार से भी भाग जा सकता है, छः से भी जा सकता है और 12 से भी भाग चला जाएगा। मतलब 12 को विभाजित करने वाली एक से भी जाएगा, दो से भी जाएगा, तीन से भी जाएगा, चार से भी जाएगा, छः से भी जाएगा और 12 से भी ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इसके अगर हम देखें कि कुल भाजक कितने हैं बच्चों, कल हमने बताया कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 संख्याएं बच्चों, ये 12 के कुल भाजक हैं। अब बात इसमें ये आती है कि सर इसमें विषम भाजक कौन से होते हैं, तो बच्चों आपने देखा कि ये जो 1 है ये विषम भाजक है और ये 3 है ये भी बच्चों विषम भाजक है, और बाकी आपने 2, 4, 6, 12 ये देखे बच्चे, ये क्या है, ये आपके समभाजक हैं। तो समभाजकों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज हम बच्चों ये जानते हैं कि विषम भाजकों की संख्या कितनी होती है, किस तरह से हम निकाल सकते हैं और समभाजकों की संख्या बच्चों किस तरह से होती है, तो बच्चों इसके बारे में हम आज हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलो आइए देखते हैं कुल कितने विषम भाजक हैं और उनका योग भी ज्ञात करो। इसमें बच्चों कह रहा है विषम भाजकों के बारे में हम जानेंगे, कुल भाजकों की बात नहीं हो रही है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके 420 के फैक्टर कर लेंगे। जैसे हमने इसमें 2 से भाग दिया, 2 × 4, 2 × 1 = 2, 0 को आपने उतार लिया। बच्चों अभी भी 2 से भाग जा सकता है, 2 × 1 = 2, 0, 2 × 5 = 10। बच्चों अब 2 से भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 से गए, 3 × 9, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15। फिर बच्चों 5 से देंगे, 5 × 7 = 35। फिर बच्चा हमने 7 से दे दिया, 7 × 1 = 7। बच्चा आपने देखा कि 420 में जो फैक्टर हमारे हुए हैं, 2 का गुणनखंड कितनी बार आया है बच्चों, 2 बार आया है, और 3 का गुणनखंड कितनी बार आया बच्चों, 1 बार आया है, और 5 का गुणनखंड 1 बार आया है, और 7 का गुणनखंड 1 बार आया है। 2 का 2 बार आया है, 3 का 1 बार आया है, 5 का 1 बार, 7 का 1 बार, बच्चों हमने ये देख लिया। अब हमने देखा कि यहाँ पर केवल और केवल विषम भाजक की बात कर रहा है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो दिया है इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि सम का गुणनखंड है इसे हम बिल्कुल नहीं लेंगे। बच्चों केवल विषम भाजकों की बात करेंगे, तो हम देखेंगे विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या बच्चों देखेंगे, इसकी पावर 1 है इसमें 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगी, इसकी पावर 1 है इसमें 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगी, इसकी पावर 1 है इसमें 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगी। तो बच्चा आपने गुणा किया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो आपने जाना कि बच्चों इसमें 420 में विषम भाजक जो होंगे, विभाजित करने वाली संख्या जो होगी वो बच्चों कितनी होगी, 8 होगी। अब हम देखेंगे बच्चों इनका, अब ये तो नहीं जाना कि कौन कौन सी है, लेकिन फिर भी हम इनका योग ज्ञात कर देंगे। बच्चों देखिए, तो अब आपको करना है विषम भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग के लिए बच्चों करना क्या है, जिस तरह से मैंने कल बताया था उसी तरह से करना है। पहले इस फैक्टर को ले लेंगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 * फिर 5 को लेंगे, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, फिर बच्चा लेंगे 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0। फिर बच्चा आपने क्या किया, 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया, 3 की पावर 0 का मान 1 हो गया, ऐसे ही 5 की पावर 1 का 5 ही हो गया, 5 की पावर 0 का 1 हो गया, 7 की पावर 1 का 7 हो गया और 7 की पावर 0 का 1 हो गया। बच्चा आपने जोड़ दिया तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, 8 × 6 = 48, 48 में आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 8 = 32, 3 4 × 16 और 3 कितना हो गया बच्चों, 19। तो बच्चों आपने जाना कि जो हमारे 8 भाजक हैं विषम, उनका योग कितना होगा, 192 हो जाएगा। तो बच्चों आपने जान लिया 420 में आपके 8 भाजक होंगे विषम भाजक और उनका योग कितना हो जाएगा, 192। 360 के सभी विषम भाजकों को ज्ञात करो और उनका योग भी बताओ। तो बच्चों हमने देखा सबसे पहले आपने क्या करना है, 360 है उसमें बच्चों आपको फैक्टर करना है। जैसे हमने 2 से भाग दिया, 180 बार चला गया,
फिर बच्चों हमने 2 से भाग दे दिया, 90 बार चला गया। फिर बच्चों हमने 2 से भाग दे दिया, फिर 43 बार चला गया। फिर बच्चों हमने 3 से भाग दे दिया, 15 बार चला गया। फिर बच्चों हमने 3 से भाग दे दिया, 5 बार चला गया। फिर बच्चों हमने 5 से भाग दे दिया, 1 बार चला गया। तो बच्चों आपने देखा कि 360 के जो फैक्टर हैं, 2 का गुणनखंड कितनी बार आया बच्चों? 3 बार आया है। 3 का गुणनखंड कितनी बार आया बच्चों? 2 बार आया है। और 5 का गुणनखंड कितनी बार आया? तो बच्चों इसमें हम देखेंगे विषम भाजकों की संख्या। इसमें बच्चों हम देखेंगे विषम भाजकों की। तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि बच्चों जब हम विषम की बात करेंगे तो केवल विषम ही लेंगे, हम बालक नहीं देखेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि 3 की पावर कितनी है? 2। इसमें 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 5 की पावर 1 है, इसमें 2 ना कितना हो जाएगा बच्चा? 2 हो जाएगा। और जैसे ही आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चा आपको मिल गया कि 360 में विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? 6। 360 को विभाजित करने वाली विषम संख्या जो होगी बच्चों 6 होंगी। अब हम ये जानेंगे विषम भाजकों का योग, जो हमारी संख्या होगी उनका योग होगा कितना? विषम भाजकों का योग, विषम भाजकों का बच्चों योग किस तरह से? अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी विषम गुणनखंड है उसको हम ले लेंगे और घटते क्रम में घातों में लिखते चले जाते हैं। जैसे 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, फिर बच्चे इंटू करेंगे, फिर अगला नेक्स्ट वाला जो गुणनखंड है उसको 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0। फिर बच्चा करेंगे क्या, आपको 3 की पावर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और 3 का पावर 1 का 3 होगा, पावर 0 का, और इसकी 5 की पावर 1 का 5 की पावर 0। बच्चा आपने जोड़ा तो ये कितना हो रहा है? 13। और ये कितना हो गया? तो बच्चा आपने देखा कितना हो रहा है? 78। 13 6 78। तो हमने देखा बच्चों विषम भाजकों की संख्या 360 में कितनी होगी? 6 होगी। और जो भी विषम भाजक जो 6 होंगे उन सभी का योग कितना होगा बच्चा? 78। देखा हमने संख्या 1260 में कितने विषम गुणनखंड, या तो विषम गुणनखंड कह सकते हैं बच्चों या विषम भाजक कह सकते हैं, कितने विषम गुणनखंड होंगे और उन्हें ज्ञात करो तथा उनका योग कितना होगा ये भी हमको बताना है। तो बच्चों क्या करेंगे हम 1260 के सबसे पहले बच्चों हम फैक्टर कर लेंगे। 1260 के क्या कर लेंगे फैक्टर? 2 से भाग दिया 6 बार गया, यहाँ पर 630 बार। 2 से भाग दिया 2 3 6, 2 1 2 2 5 10। अब बच्चों 2 से नहीं जा रहा तो अब 3 से दे सकते हो, 3 1 3 0, 3 5 15। 3 से अभी भी चला जाएगा, 3 3 9 3 5 15। फिर बच्चा 5 से दे दिया, 5 7 35। फिर बच्चा आपने 7 से दिया, 7 1 7। तो बच्चों आपने देखा कि 1260 के जो हमारे फैक्टर हो रहे हैं वो आपके हो रहे हैं 2 का गुणनखंड बच्चों 2 बार आया है, और 3 का गुणनखंड बच्चा हमने देखा 2 बार आया है, 5 का गुणनखंड बच्चा 1 बार आया है, और 7 का गुणनखंड बच्चा 1 बार आया है। तो बच्चों हम जानेंगे विषम भाजकों या गुणनखंडों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, चाहे गुणनखंड कह सकते हैं, विषम भाजकों की संख्या। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसमें केवल विषम गुणनखंडों को ही लेकर चलना है। जैसे आपने देखा इसकी जो पावर्स कितनी है 2, तो इसमें 1 जोड़ दिया 3 हो गया। इसकी पावर कितनी है 5, इसमें 1, तो इसमें 1 जोड़ दिया 2 हो गया। इसकी पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ दिया 2 हो गया। बच्चा आपने गुणा किया 2 2 4 और 4 3 12। तो आपको समझ में आ गया कि 1260 को विभाजित करने वाले विषम संख्या जो है, विषम भाजक या विषम गुणनखंड जो है बच्चों कितने होंगे? 12 होंगे। इसी प्रकार हम मैंने आपको बताया था विषम भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग बच्चा आसानी से आप ज्ञात कर लोगे। ये जो फैक्टर उसको आप ले लोगे और घटते क्रम में आप लिखते चले जाओगे। फिर मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, फिर मल्टीप्लाई किया 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0। बच्चों हमने देखा इसकी ये 9 हो गया, ये 3 हो गया बच्चा, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, और बच्चा ये 7 हो गया और ये 1 हो गया। अब बच्चा आपने जोड़ा 1 और 3 4 और 4 9 13, तो बच्चा ये हो गया, और 6 बच्चा ये हो गया, और 8 बच्चा ये हो गया। तो आपने देखा बच्चों 13 6 78 78 बच्चा ये हो गया, 8 का मल्टीप्लाई और कर दोगे तो 8 8 64 हासिल 6, 8 7 56 और 6 62। तो आपने बच्चा
संख्या 300 को विभाजित करने वाली सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 300 को विभाजित करने वाली सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो तथा वे कितनी विषम संख्याएं हैं जो 300 को विभाजित करेंगी। अब इसने क्वेश्चन को घुमा दिया, मतलब ये चाह रहा है कि ऐसी कौन सी विषम संख्या जो इनको विभाजित, मतलब भाजक, विभाजित करने वाली भाजक होते हैं। तो बच्चों वही काम करना है, भाषा कैसे भी बदल दे आपको वही काम करना है जो मैंने बताया। जैसे आपने 2 से भाग दिया तो 15 सा हो गया, फिर हमने 2 से भाग दिया तो 75 बार चला गया, फिर बच्चों हमने 3 से भाग दिया 25 बार चला गया, फिर 5 से भाग दिया 5 बार चला गया, और फिर 5 से भाग दिया 1 बार चला गया। तो बच्चों आपने देखे कि 300 के जो फैक्टर हुए 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब बात हो रही है बच्चों विषम संख्याओं की, विभाजित करने वाली तो विभाजक ही होते हैं, तो बच्चों हम इसको तो लेंगे नहीं, तो आपको करना क्या है बच्चों, विषम संख्याएं या विषम भाजक, विषम भाजक की बात करेंगे बच्चों। तो इसमें यहां पर जो इसकी पावर 1 है तो इसको 1 जोड़ करके 2 कर देंगे, इसकी पावर 2 है तो इसको 3 कर देंगे, तो बच्चों कितनी होगी, 6 होगी। तो बच्चों 300 को विभाजित करने वाले जो विषम भाजक होंगे वो 6 होंगे, और विषम भाजकों की संख्या जो हुई, विषम भाजकों की संख्या सॉरी विषम भाजकों का योग, का जो योग है तो बच्चों 3 का गुणनखंड उठा लेंगे, 3 की पावर 0, फिर यहां ले लेंगे 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0, फिर देखेंगे बच्चों इसका 3, इसका 1, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 5 और ये 1। अब बच्चा हमने देखा ये 4 है और ये आपका 31 हो गया, 5 6 25 31, अब 4 1 4 और 4 3 12। तो आपने बच्चा देखा कि जितने भी जो विषम संख्याएं जो 300 को विभाजित कर रही है वो आपकी 6 होंगी, और जितनी भी संख्याएं 300 को विभाजित करने वाली उनका योग कितना होगा, वो 124 होगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आने वाले सभी सवालों को आप विषम भाजकों से संबंधित और कुल भाजकों से संबंधित आने वाले संख्या या योग से संबंधित जितने भी सवाल हैं आप उनको हल कर सकते हो। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बच्चों आने वाली वीडियो जो कल हमारी, उसमें सम भाजकों की संख्या और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे, तो उनको अच्छी तरह से हम समझेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। तो बच्चों आपसे हम विदा लेते हैं, नमस्कार।